हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मेरा किचन में आप सभी को स्वागत है। तो अभी हम अपना किचन में लेके आए हैं बेसन का लड्डू। तो हम बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम बेसन, 150 ग्राम चीनी और 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम बादाम। तो ये चीनी के पाउडर बनाने जा रहे हैं। मेरे पास अभी चीनी के पाउडर नहीं है, तो चीनी के पाउडर बनाएंगे। तो इसको हम मिक्सी में कप में डाल के पाउडर बना लेंगे। आपके पास पाउडर है तो पाउडर यूज करिए, डालिए लड्डू में। तो इसका भी हम पाउडर बना लेंगे, बादाम का भी पाउडर बना लेंगे, काजू का भी पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चीनी का पाउडर बन गया है शुगर का। तो बादाम रख के इसका भी हम पाउडर बनाएंगे। तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसको हम एक बार चला लेते हैं। फिर इसी में काजू डाल देंगे और इसका भी पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरीके का हो गया। एक बार इसको हम चला लिए और इसी में हम काजू डाल के इसको भी पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई गरम हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम घी। तो इसमें घी बहुत ज़्यादा ही लगता है, तभी लड्डू अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। आपको अंदाज नहीं है तो नाप के तौल के डालिए। तो अब इसमें हम बेसन के डाल देते हैं, डाल के हम भूजेंगे इसको कलर चेंज होने तक। तो 5 मिनट तक अच्छा से भूनना है, बेसन के फ्राई करना है। जब तक ये बेसन के कलर ना चेंज हो जाए, बेसन के हम अच्छा से फ्राई कर लिए हैं। फ्राई होने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। तो 5 मिनट तक इसको हम फ्राई किए चलाते हुए। तो गैस के बंद कर दिए हैं। अब इसमें हम चीनी के जो पाउडर बनाए थे उसको डालेंगे। हम इसमें पूरा नहीं, 100 ग्राम ही पाउडर डालेंगे। जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं उनके लिए
ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बराबर भी डाल सकते हैं, जितना बेसन लिए उतना चीनी का पाउडर हम थोड़ा कम डालेंगे। बादाम का पाउडर है, काजू बादाम का पाउडर है, उसको भी हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर से छिड़कने के लिए। सबके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा ठंडा करके इसको लड्डू बनाएंगे। कभी भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आप घर में ही, बाजार जाने का कोई जरूरत नहीं है, घर में बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम हाथ में थोड़ा घी लगा लेंगे और तरीके से हम लड्डू की तरह गोल करेंगे। लड्डू ही है, लड्डू की तरह ही इस तरीके से। घी लगा लगा के पानी को थोड़ा गर्म हो गया, तरीके से सारा लड्डू को बांधना है। इसे हाथ पर घी से हाथ के चिकना कर लेना है, इसे चिकना चिकना लड्डू होगा। और बहुत ही आसान है ये बेसन के लड्डू बनाना, बनाने में आसान है, खाने में टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये लड्डू। और कभी भी आपको पूजा पाठ करना हो तो घर में ही बना लीजिए, मार्केट जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बना के कहीं रिलेशन में भी ले कर चले जाइए। जल्दी भी बन जाती है। हमने सारा लड्डू को बना लिया है, सारा लड्डू को हम बना लिए हैं। आप जैसा साइज में बनाना चाहे वैसा साइज में बना सकते हैं। हम इतना छोटा छोटा प्यारा प्यारा लड्डू बना लिए हैं। तो ये काजू और बादाम का पाउडर है, इसमें हम इस तरीके से कर देंगे तो देखने में सुंदर भी लगेगा और खाने में और टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो हम इस तरीके से सारे लड्डू को हम इस तरीके से कर लेंगे। देखिए देखिए देखिए, अच्छा लग रहा है ना देखने में? आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है कि अभी इसमें से उठा के खा लें। हाँ, एक बार ट्राई जरूर करिए इस तरीके से और बना के खा के कमेंट करिए कि मेरा तरीका लड्डू बनाने का कैसा लगा। एकदम ईजी तरीका है, आप आराम से बना सकते हैं। तो ये मेरा बेसन का लड्डू बनाने का तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके करिए। और फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।